हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भाई आपको जगह थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, व्लॉग में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा। एक न्यू सुपर बाइक आ चुकी है ग्रुप में और दूसरा H2 को क्या क्या किया है तो वही भाई अभी व्लॉग में आगे पता चलेगा, तो सीधा मिलता हूँ आपको आगे। तो भाई इसके अंदर क्या है, खुशी देखो खुशी। भाई बस अभी वेट कर रहा हूँ, क्या लगता है क्या है? जो भी है पूरा धमाका है भाई। धमाका तो हो गई, आप बैक टू बैक। इतना है पहला गियर, इतना है महाराष्ट्र में एक ही है। पहले भी बगमैन है भाई। ये देखो 2 R1, ये भी काफी रेयर चीज है भाई। सागर भाई ये ले रहे थे ना भाई, फुल रेडी, फुल उड़ा देंगे। देखो कितने रिमोट कर। रेव भाई, ये रही अपनी H2। ये देखो भाई, कार्बन फाइबर भाई, एग्जॉस्ट। सोनू भाई कैसा है, पसंद आया ना? बहुत जबरदस्त भाई, ये नेक्स्ट लेवल है। ये भी कार्बन फाइबर, इधर भी कार्बन फाइबर, हर जगह है। भाई सब बैठ के है, कल के राइड का प्लान चालू है, लेकिन राइड के लिए कोई नहीं आ रहा है। आज का स्पॉन्सर खड़ा है। इधर जाने का, मैं लद्दाख ट्रिप पे मिलता हूँ भाई। तो भाई अभी कल का राइड का प्लान चालू है, मोस्टली कल मैं और सागर ही जाने वाले राइड के लिए। तो गाइज आज है Day 2 और भाई यही ब्लॉग में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाई पीछे अपनी बाइक तो रेडी है, अभी निकल रहा हूँ। सुबह के करीब 6 बज रहे हैं, अभी तक प्रॉपर उजाला तो नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। तो भाई चलो मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉक सेटअप पे। उजाला हो चुका है और भाई निकल गए हैं अपने H2 पे, और आपको दिख रहा होगा कार्बन फाइबर। और भाई नेक्स्ट है साउंड, जिसके बहुत दिनों से कमी थी और वो कमी पूरी हो चुकी है। तो अभी क्या ही मजा आ रहा है भाई। और ये 10R से बहुत ज्यादा लाउड है, मतलब आप में से जितने लोगों ने मेरी 10R देखी है, ये 10R से ज्यादा लाउड है। नेक्स्ट लेवल खतरनाक साउंड है भाई। और अभी गाड़ी और फास्ट हो चुके हैं अपने, काफी दिन से मेरे पास H2 नहीं थे क्योंकि ये काम के लिए गए थे, यही सब काम के लिए। और अभी ये इतने ज्यादा फास्ट हो चुके हैं कि सेकंड गियर डायरेक्ट व्हील ही होता है। सेकंड गियर जितने गियर, अगर मैं फिफ्थ गियर भी इसको शिफ्ट करूँ ना अगर हाई RPM पे, तो भी व्हील होगी। तो भाई हम जा रहे हैं लोनावाला, क्योंकि गाइस अपनी एक लॉन्ग राइड है, रात से 1-2 दिन के बाद ही हम लोग निकल रहे हैं, इसलिए भाई आज शॉर्ट राइड लोनावाला ही जा रहे हैं। सागर भाई अपने न्यू बाइक लेके आ रहे हैं, तो काफ़ी अभी मज़ा आएगा। CBR RRR 1000 वर्सेस निंजा H2, बहुत ज़्यादा खतरनाक साउंड, क्योंकि भाई इसमें लगा दिया है अपन ने H2R का एग्जॉस्ट। तो भाई उतरने के बाद आपको अच्छे से बताता हूँ एग्जॉस्ट और जो जो पांच अपन ने लगाए है। ये पूरा कार्बन फाइबर, मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि भाई मुझे होके सर्दी। ये भी कार्बन फाइबर कराया है अपन ने,
ये भी कार्बन फाइबर, अपना मडगार्ड तो पहले से ही कार्बन फाइबर था, भाई लोग थोड़ा फोटो के लिए आए। और भाई ये देखो एग्जॉस्ट अपना, मतलब भाई फ्रेम में देखो बाइक का कंप्लीट लग रही है अभी, नेक्स्ट लेवल। और भाई ये एग्जॉस्ट क्या ही बोलो, आपने तो सुना ही है भाई, अभी जिसको जितना देखो मन नहीं भरता है। सागर भाई का वेट कर रहे हैं, सागर भाई जैसे आते हैं यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई पाम बीच पे अभी एक दो हफ्ते से पुलिस का बहुत चक्कर चालू है। गुड मॉर्निंग सर, न्यू बाइक के साथ फुल जोश में। पहला ही दिन भाई, कल बाइक लिया आज राइड को, मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ राइड करते। अरे भाई चाबी भी नहीं है, पुलिस कैसे चाबी निकालेगी। हम बोल रहे हैं पुलिस कैसे चाबी निकालेगी। भाई ये देखो मतलब नेक्स्ट लेवल। भाई टेनर से डबल लाउड है वो। सोमवार बोलो कि मेरे को भी ऐसा ही सैमसंग गिफ्ट करने वाले, जल्दी कर देंगे। तो लगाऊंगा नहीं तो नहीं। लेकिन ये क्या है बे? थोड़ा मेरा वो परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज भी हो रहा है भाई, माइलेज थोड़ा चाहिए अपने। अरे आ भाई गाड़ी पे पूरा पैसा डाल दे, थोड़ा चाहिए पेट्रोल के लिए बचना चाहिए। लेकिन भाई नेक्स्ट लेवल। कच्चा खाई जाएगी के। तो चलो भाई यहाँ से तीन बाइक हो गई है अपना, ज्यादा लोग के साथ तो हम राइड नहीं करते। दो एच टू आ रहे हो भाई, इज्जत काट दे तू। H2R चुके हैं टोल पे, तो अभी यहाँ तो रुकने का कोई प्लान नहीं है। तो यहाँ से भाई सीधा लोनावाला ही रुकेंगे भाई।
बहुत ज्यादा इजी भागती है, बोलते हैं और भगाओ। फुल पावर में न्यू बाइक, ओह माय गॉड। कुछ और पावर लेके आओ सागर भाई, इसके आगे नहीं टिकने वाली। सांड है भाई, सांड। बस भागने के लिए चाहिए। बच्चों का रिएक्शन देखो भाई, चरक। क्या सागर भाई, सागर भाई सब अपना अपना कॉपी करते हैं। ये थोड़ा H2 में कम है। वो कैसा भाई, कर देंगे भाई H2 में भी, ये कीलेस कर लेंगे। पुलिस भी ठीक कैसे निकल, लेकिन भाई पूरे गाड़ी में खाली यही अच्छा लग रहा है ग्रिप। अरे आप भाई, ऋषि भाई फुल रेप कर रहे हैं। कड़क कड़क कड़क। व्यू देखो भाई, मतलब कितने भी बाहर आ जाओ ये रोड से, व्यू नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस ये संडे तो राइड हो चुके हैं, अभी होने वाली है भाई लॉन्ग राइड। तो लॉन्ग राइड कहाँ होने वाली है, तो भाई हम लोग जा रहे हैं मुंबई टू उज्जैन। तो हम लोग पहले इंदौर जा रहे हैं, फिर वहाँ से उज्जैन। आपको इंस्टाग्राम पे भाई जल्दी अपडेट मिलता है सब चीज़ों का, तो जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो SSR Vlogs 24। तो भाई काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई लॉन्ग राइड जाओ, लॉन्ग राइड जाओ। तो हमने लॉन्ग राइड अभी प्लान कर लिया है, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है उज्जैन राइड के लिए, इसलिए भाई अपन ने बाइक भी रेडी कर लिया राइड के पहले। हम रुके हैं फोटो शूट के लिए, थोड़ा फोटो खींचते हैं और फिर निकलते हैं। भाई ये फ्रेम देखो,
अरे गरम असणार ते. अरे भाई तटका लागला. अरे भाई पहिले जो लोक गरम असणार ही. हा बोललो तू का गरम. ओ नाही नाही काय नाही काय भाई. वो बाइक पे बैठ के खुश हो गया था. मैंने बोला कि H2 गरम रहेगा. अभी रोने लग गया. तो भाई अभी अरे भाई किलेस. तो अभी भाई चला के देखते हैं CBR. सागर भाई चला रहे हैं H2. तो भाई थोड़ा चला के देखते हैं. अरे भाई बहुत छोटा लग रहा है. मैं H2 से सीधा इस पे बैठ गया. भाई इसकी सिटिंग पोजीशन जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है. बिल्कुल डिफरेंट. ब्रेक्स लेकिन काफी अच्छे है. मतलब H2 से तो अच्छी है. ब्रेकिंग अच्छी है भाई. इतना तो अच्छा है. और हैंडल बहुत स्ट्रेट पोजीशन है. मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है. क्विक शिफ्टर ऑटो फ्लिपर भाई मक्खन है. जैसा टेनार में है ना सेम उस टाइप में है. भाई मुझे ऑफकोर्स पावर बहुत कम लग रहा है क्योंकि भाई मैं सीधा H2 से इस पर बैठा हूँ. खिलौना है भाई खिलौना. लेकिन इजी भाग रही है. ऐसा पुश नहीं करना पड़ता है. पावर वाढले यार. अरे भाई मी बोलतो ना आर पार. चलो गाइस निकलते हैं. आ गए बैक टू H2. कर देते चालू. ये आ गया है टोल. ऋषि भाई हो जाएंगे अलग अपने से. बूम बूम करने की जरूरत नहीं पड़ती है. प्लस वो H2 1000 CC वाली है ना. 500. हाँ यहाँ से ले रहे राइट. चलो बाय बाय सागर भाई.